हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आम पना, तो चलिए इसे बनाना शुरू कर रही हैं। मैंने 1 किलो आम लिए हैं। इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। अब ये इधर जो ये तोर है ना, इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए पानी हमारा अच्छी तरह से उबलने लगा है और इसमें हम आम डाल देंगे। अब इन्हें हम ढक करके बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो देखिए आम हमारे बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। देखिए बहुत अच्छे से उबल गए हैं हमारे आम। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे। इसे अब हम ठंडा करके इसका हम पल्प निकाल लेंगे। देखिए मैंने आम का पल्प निकाल लिया है। अब इसमें हम 1 कप शक्कर लेंगे। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, और जीरा और सौंफ पाउडर लिया है रोस्ट किया हुआ, और ये मैंने सेंधा नमक लिया है 1/2 टीस्पून, ये मैंने वाइट वाला नमक लिया है 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने ये काला नमक लिया है। तो ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी को। देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए मैंने शॉर्ट गिलास ली हैं और एक ये मैंने बड़ी गिलास ली है, और ये मैंने आम पन्ना को गिलास में ले लिया है और इसमें हम फिल कर देंगे। इसी तरह से मैं शॉर्ट गिलास में भी फिल करूँगी। लीजिए हमारा टेस्टी टेस्टी आम पना बनके तैयार है। लीजिए गाइस, बनके तैयार है हमारा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारा आम पना। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।